अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ चॉकलेटी केक बनाने की रेसिपी। और ये इतना सॉफ्ट स्पॉन्जी ये केक बनके तैयार होगा, जैसे हम मार्केट वगैरह से लेकर आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये केक बनके आपका तैयार होगा। और अगर आप भी चाहते हैं बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बनाना, तो मेरी वीडियो को स्टेप बाई स्टेप फॉलो करके और ये बेहतरीन आप केक बना के रेडी कर सकते हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और हम देख लेते हैं हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल रूबीज़ कुकिंग पैशन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं और हम देख लेते हैं हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी। वैसे हम इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट के यूज़ नहीं करने वाले। सबसे पहले हम एक बड़ा सा बोल ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1.5 कप प्रीमिक्स। तो मैंने इसमें प्रीमिक्स लिया है चॉकलेटी, आप अपने पसंद का कोई भी इसमें प्रीमिक्स का यूज़ करते हैं। इसमें आप वनीला फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से हमने प्रीमिक्स ले लिया 1.5 कप। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बटर, यानी 4 से 5 टेबल स्पून हम इसमें मेल्ट किया हुआ बटर डाल देंगे। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें बटर का यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो आप इसमें बिना बटर का भी आप इसे केक को बना के रेडी कर सकते हो। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे आप इसमें दूध का भी यूज़ कर सकते हो और मैंने इसमें पानी का यूज़ किया। हमने इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया, थोड़ा पानी अभी इसमें हम और ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब आप ये बैटर मिक्स कर रहे हो तो आप इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, आप एक ही डायरेक्शन में इसको अच्छे से मिक्स करें और एकदम सॉफ्ट हैंड से आप इसे मिक्स करें। तो इस तरह से हमने देखिए बैटर को अच्छे से रेडी कर लिया है और ये रिबिन टूट रहा है इसमें बैटर में, तो इसका मतलब है हमारा प्रीमिक्स का बैटर बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे रेडी हो गया। अब हम ले लेंगे स्पैचुला और एक दफ़ा इस तरह से हम हल्के हाथ से फोल्ड एंड कट कर लेंगे। और ये प्रीमिक्स है तो बहुत ज़्यादा हम इसे फोल्ड एंड कट नहीं करेंगे। अब हम बैटर को रख देते हैं साइड में और इसके बाद हमने यहाँ पर ये टिन लिए 6 इंच की, अच्छे से हमने मैदा से इसे ग्रीस करके साइड में रख दिया था। आप चाहे तो इसमें बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। अब हम सारा बैटर इसी के अंदर फिल कर देंगे 3 से 4 दफ़ा हम इसे टेप करने के बाद ओवन में बेक करने रख देते हैं। तो ये देखिए हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट बन के यहाँ पे रेडी हो गया और काफ़ी अच्छे से ये फूल गया। अब हम नाइफ लेंगे और नाइफ से इसे लूज़ कर लेंगे साइड में से और इसे टर्न करने के बाद हम केक को निकाल लेंगे। ये आसानी से हमारा केक निकल के तैयार हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कितना फ्लफी और हमारा केक स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ। 3 लेयर में मैं इसे डिवाइड करूँगी केक को। तो अब हमने 3 लेयर में डिवाइड कर लिया, केक को रख देते हैं साइड में। अब एक बड़ा सा बोल लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 कप क्रीम। और अब हम ले लेते हैं हैंड ब्लेंडर। हैंड ब्लेंडर से बहुत अच्छे से व्हिप्ड कर लेंगे क्रीम को। और कितने लोग होते हैं जिनकी कंप्लेंट होती है जब हम केक बना रहे होते हैं तो हमारी क्रीम या तो फट जाती है या फिर बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, तो उसका कारण होता है आप हैंड ब्लेंडर का सही से यूज़ नहीं कर रहे हो, या तो फिर आप बहुत स्पीड में कर देते हो या फिर स्लो स्पीड रखते हो। तो सबसे पहले आप 2 मिनट स्लो स्पीड पर इसे अच्छे से व्हिप्ड करें। 2 मिनट के बाद इसकी स्पीड को थोड़ा सा हाई कर दें और हाई करने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट और अच्छे से व्हिप कर दें और लास्ट में आप 2 मिनट एकदम से हाई कर दें। इस तरह से आपकी क्रीम बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाएगी। तो क्रीम हमारी अच्छे से रेडी हो गई। अब हम लेंगे केक बेस और उस पर थोड़ी सी क्रीम अप्लाई करेंगे। तो क्रीम मैंने अप्लाई कर ली। इसके बाद हम लेंगे 3 लेयर में हमने डिवाइड किया था इस केक को। तो सबसे पहले हम पहली लेयर इसके ऊपर रख देंगे केक बेस के ऊपर और इसे अच्छे से मॉइस्ट कर लेंगे। तो तकरीबन मैंने 1 कप इसमें दूध लिया। दूध में 3 टेबल स्पून शक्कर ऐड करने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इस तरह से हमारा शुगर सिरप बन के रेडी हो जाएगा और इस केक को अच्छे से मॉइस्ट करेंगे। केक को जितने अच्छे से मॉइस्ट करेंगे ये केक इतना ही सॉफ्ट बन के तैयार होगा। मैंने इसमें दूध का यूज़ किया, आप चाहे तो इसमें पानी का भी यूज़ कर सकते। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से मॉइस्ट कर लिया। इसके बाद में हम इस पर क्रीम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देख सकते हो हमारी क्रीम बिल्कुल परफेक्ट व्हिप्ड हुई है और इसके ऊपर हम थोड़ी थोड़ी क्रीम डालते जाएंगे और अच्छे से इसे स्प्रेड कर लेंगे क्रीम को केक के ऊपर। तो इस तरह से हमने क्रीम को अच्छे से अप्लाई कर लिया केक के ऊपर। अब फ्लेवर के लिए हमने स्ट्रॉबेरी क्रश किया है, 2 टेबल स्पून हम इस पर स्ट्रॉबेरी क्रश डाल देंगे और इसे भी क्रीम के ऊपर बहुत अच्छे से स्मूथ कर लेंगे।
स्ट्रॉबेरी क्रश को अच्छे से हम स्प्रेड कर लेंगे पैलेट नाइफ़ की मदद से। और अब हम चलते हैं सेकेंड लेयर की तरफ। मैंने ये सेकेंड लेयर ली है और केक रख देंगे हम स्ट्रॉबेरी क्रश के ऊपर। सेकेंड लेयर को भी बहुत अच्छे से हम मॉइस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने बहुत अच्छे से मॉइस्ट किया इस केक को। और अब इसके ऊपर रख देंगे हम क्रीम। सेम प्रोसेस हम इसके ऊपर भी करेंगे सेकेंड लेयर के ऊपर। इस पॉइंट पे क्रीम लगाने के लिए आप पाइपिंग बैग का भी यूज़ कर सकते हो या फिर डायरेक्टली भी आप केक के ऊपर क्रीम अप्लाई कर सकते हो। और हमने क्रीम अच्छे से अप्लाई कर ली। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे स्ट्रॉबेरी क्रश। और स्ट्रॉबेरी क्रश डालने के बाद इसे भी हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर आप स्पेचुला का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इस पर स्ट्रॉबेरी क्रश और ऐड किया है। तो तकरीबन हमने 2 टेबल स्पून या फिर 3 टेबल स्पून इस पर स्ट्रॉबेरी क्रश ऐड कर दिया। अच्छे से इसे स्प्रेड करने के बाद अब हम चलते हैं थर्ड लेयर की तरफ, यानी टॉप लेयर की तरफ। टॉप लेयर को भी बहुत अच्छे से मॉइस्ट करेंगे हम सेंटर में से, और हम इस तरह से साइड में से भी इसे मॉइस्ट कर लेंगे। और जितने अच्छे से आप इसे मॉइस्ट करेंगे केक आपका इतना ही डिलीशियस बन के तैयार होगा, बहुत सॉफ्ट बनेगा। और जब आप इस केक को बना के रेडी करेंगे ये कोई भी नहीं बोलने वाला है इस केक को आपने बना के रेडी किया है, बिल्कुल ये ऐसा बन के तैयार होगा जैसे हम मार्केट वगैरह से लेकर आते या फिर उससे भी ज़्यादा ये डिलीशियस बन के तैयार होगा। तो हमने टॉप लेयर पर क्रीम अप्लाई कर ली और इसे अभी अच्छे से हम फिनिशिंग के साथ क्रीम को अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से केक के टॉप पे और हम केक की साइड में भी अच्छे से क्रीम अप्लाई करेंगे, पूरी फिनिशिंग के साथ इसे केक को कवर कर देंगे क्रीम से। और तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी और उसके बाद हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे, यानी केक को अच्छे से हम डेकोरेट कर लेंगे। थोड़ी सी क्रीम है हमने 2 टेबल स्पून इसमें रेड फूड कलर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया। और हमने स्टार नोज़ल लिया, स्टार नोज़ल से हम रेड कलर के फ्लावर बना देंगे केक के साइड में और केक की टॉप पे। और आप देख सकते हो मैंने थोड़ा थोड़ा इस पर स्पेस छोड़ने के बाद ये रेड फ्लावर बनाए 3-3 इंच का। और अब हम केक को फाइनल लुक देंगे। और इसके बाद हम सेम नोज़ल बट वाइट क्रीम का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो हम बहुत आसानी से हमने ये केक बना के रेडी किया है और इसकी डेकोरेट भी बहुत आसानी से बन के रेडी हो जाती है, पर इतना प्रोफेशनल ये केक बन के तैयार होता है। तो इस तरह से हमने केक की टॉप पे भी अच्छे से फ्लावर बना लिए और ये फाइनल हमारी डेकोरेट है। तो हमारी फाइनल डेकोरेट भी अच्छे से हो गई। अब चलते हैं हम केक की साइड में। हमने स्पेस छोड़ी थी केक की साइड में और यहाँ पे भी हम अच्छे से स्पेस फ्लावर बना लेंगे। केक पे छोटी छोटी सी स्पेस बची है, इस पर भी हम स्मॉल से फ्लावर बना देंगे। और इस तरह से हमारी केक की डेकोरेट बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो गई है। आप किसी के बर्थडे के लिए बना रहे हो तो यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर एनिवर्सरी के लिए बना रहे हो तो यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हो। और इस तरह से हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो गया। अब मैं इसे 2 घंटे के लिए रख दूँगी फ्रिज में और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे केक को। और 2 घंटे के बाद यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से हमारा केक बनके रेडी हो गया है। बहुत सॉफ्ट स्पॉन्जी और डिलीशियस ये केक बनके हमारा रेडी हुआ है। आप भी मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके और सॉफ्ट स्पॉन्जी ये केक बना के रेडी कर सकते हो, ये बहुत डिलीशियस बनके रेडी होता है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी केक की वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, फैमिली फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, कॉमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं आपका केक कैसा बना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।